गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी वन में पार्ट 10 उम्मीद पढ़ेंगे। आप अपने अपने पुस्तक खोल लीजिए, पेज नंबर 82 निकालो। देखो, इसमें पार्ट प्रवेश में दिया हुआ है कि आप जानते हो कि हमारा देश आपकी और इस देश की रक्षा किसके कंधों पर है, किसके कंधों पर है? हम सबके ऊपर, ठीक है। हमारे देश की इसका लिए सेवा का बलिदान और त्याग कौन करता है? इसी हमारे जो देश के सैनिक है वो हमारे देश की रक्षा करते हैं और हमारे त्याग का बलिदान का भी उनके कंधों पर ही है। वो अगर नहीं हो हमारे देश के जो सीमा की रक्षा कौन करेगा, ठीक है। तो सैनिक के इस जो पार्ट में जो बलिदानी सैनिक के बारे में बताया गया है। चलिए मैं लेसन स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग भी अपनी पुस्तक में देखिए। मेजर बलराज के घर का हर सदस्य खुश था। इस हफ्ते मेजर छुट्टियों में घर जो आने वाले थे, सबसे ज्यादा चहक रही थी उनकी दुलारी रोशनी। उसने तो पूरी सूची बना रखी थी कि पापा के आने पर उसे क्या क्या चाहिए और कहाँ कहाँ जाना है। हमेशा की तरह रात के खाने के बाद पूरा परिवार समाचार देखने बैठा। समाचार सुनकर उनके सबके पैरों तले की जमीन खिसक गई। सीमा पर दुश्मनों के औचक हमले और मेजर बलराज के लापता होने की खबर थी। सब अवाक थे, अवाक यानी कि सब हैरान थे, परेशान थे। दादी जी ने रोशनी को कमरे में भेज दिया। सबके मन में उथल पथल मच गई क्योंकि वो सब परेशान हो गए कि अब क्या होगा, वो मेजर बलराज कहाँ चले गए और कैसे मिलेंगे। अगले दिन सुबह सुबह रोशनी ने दादाजी से पूछा, दादाजी आप भी तो सेना में थे, आप बताइए ना क्या पापा कभी लौट कर नहीं आएंगे। तो सुबह उठकर जब बेटी ने दादाजी से पूछा कि आप भी सेना में थे तो आप बताओ कि सेना में क्या होता है, कैसे होता है कि जो पापा मेरे गए हैं, लापता हुए हैं, वो क्या वापस लौटकर नहीं आएंगे। तब उन्होंने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड कर्नल दादाजी ने रोशनी को अपने पास बिठाया और बोले, बेटा तुम्हारे पापा भारतीय सैनिक हैं। भारतीय सैनिक हमारे देश की आन बान शान होते हैं। ये किसी से डरने वाले या किसी के सामने झुकने वाले नहीं होते। ये आत्मबल और आत्मविश्वास से भरे होते हैं। इनके पास यदि अस्त्र शस्त्र खत्म भी हो जाएं, तो भी ये दुश्मनों पर कहर ढाते हैं। जब ये सरहद पर होते हैं तभी हम अपने अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं। इनके बिना हमारे देश का कोई अस्तित्व नहीं है, यानी कि अगर सैनिक नहीं हो तो हमारे देश का कोई भी अस्तित्व नहीं है, कोई भी पहचान कुछ भी नहीं है। भारतीय सैनिक देश रक्षा के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं। हमारा देश हमेशा से वीरता एवं बलिदानों का देश रहा है। भारत के हर कोने में ऐसे ऐसे वीरों ने जन्म लिया है जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान दिया है। आज मैं तुम्हें हमारे वीर सैनिक मेजर धन सिंह थापा की कहानी सुनाता हूँ। मेजर थापा 10 अप्रैल 1928 यानी कि 1928 को शिमला में जन्मे नेपाली मूल के भारतीय थे। 21 वर्ष की आयु में वे फौज में भर्ती हुए। वे बहुत ही मितभाषी और मेहनती अधिकारी थे। मितभाषी अच्छा बोलने वाले, ज़्यादा बोलने वाले, मेहनती अधिकारी थे। अनावश्यक बोलना और खुद को बहादुर जताना उनके स्वभाव में शामिल नहीं था। 20 अक्टूबर 1962 यानी कि 1962 को अचानक चीन ने भारत पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले के कारण भारतीय सेना को तैयारी का अवसर ही ना मिला। सेना के कमांडर ने मेजर धन सिंह थापा को 8वीं गोरखा राइफल्स की प्रथम बटालियन के जवानों को लेकर लद्दाख के मोर्चे पर जाने का हुक्म दिया, जबकि चीनी सैनिक लद्दाख में बहुत सारी चौकियां पहले ही बना चुके थे और उनके पास भारी मात्रा में गोला बारूद और बंदूकें थी। इधर मेजर थापा को छोटी छोटी चौकियां बनाने का हुक्म दिया गया। उनके पास केवल 28 सैनिक और थोड़े बहुत गोले बारूद और बंदूकें थी। धन सिंह मोर्चे पर रवाना हो गए। हिमालय गोरखाओं के विश्वास का महान पर्वत है, पर मोर्चा पथरीली बंजर जमीन पर लगा था। झीलें सुंदर हैं पर वहां रहना कठिन था, इसलिए चीन ने पंगोंग झील के पास चुशुल हवाई पट्टी हमले के लिए चुनी। 20 अक्टूबर को श्रीजप चौकी पर हमला हुआ। गोलदाज
फौज की गोलीबारी शुरू हुई। हमला सुबह 6 बजे शुरू हुआ और 2.5 घंटे तक चलता रहा। फिर एक साथ भारी संख्या में दुश्मन चींटी की तरह आते दिखाई दिए। छोटी तोपें मार करती हुई आ रही थी। सामने दुश्मन की गोलीबारी हो रही थी। धन सिंह के पास जवान और गोला बारूद तो कम थे, परंतु साहस की कमी ना थी। मेजर थापा ने ऐलान किया, एक गोली, एक सैनिक, एक दुश्मन। उसका हौसला साथियों को भी ताकत दे रहा था। उसने ऐलान किया कि एक गोली होगी और एक सैनिक होगा और एक दुश्मन होगा। हर कोई अपने अपने एक सैनिक दुश्मन को मारेगा। फिर गोलियां खत्म हो गई, सारथी गिरते गए। 3 साथियों के साथ थापा ने मोर्चा संभाला। घायल हुए और लड़ते रहे। उन्हें काबू में करने के लिए चीनी सैनिकों को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। आखिर वे दुश्मनों के द्वारा बंदी बना लिए गए। दुश्मन ने तरह तरह के कष्ट दिए। पूछा, भारतीय फौज कहाँ है, कितनी है, कौन कौन से हथियार उनके पास है, पर फौलाद धन सिंह ने जुबान नहीं खोली। जुल्म सहते रहे, वे ना यातना से डरे ना प्रलोभन से डिगे। जब वे अपने वतन लौटे तो उन्हें बहादुरी के लिए परम वीर चक्र का सम्मान भी मिला। वे मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक पहुंचे। पदमुक्त होने के बाद लेफ्टिनेंट ने कर्नल थापा ने सहारा एयरलाइंस के निदेशक का पदभार संभाला। यह सुनकर रोशनी की आंखों में चमक आ गई। सच दादाजी, तो क्या पापा भी लौट आएंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल आएंगे। फिर बहादुर पिता की बहादुर बेटी उम्मीद के साथ स्कूल के लिए तैयार होने चल दी। ठीक है, ये देखो आपका माइंड मैप। अचानक टीवी पर मेजर बलराज के लापता होने की खबर से पूरा परिवार चिंतित हो उठा। मेजर की परेशान छोटी सी बेटी रोशनी को उसके दादाजी ने मेजर धन सिंह थापा की शौर्य गाथा सुनाई। धन सिंह थापा 1962 के युद्ध में चीनी सेना द्वारा बंदी बना लिए गए। वतन वापिस पर उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस कहानी से रोशनी को अपने पिता की वापसी की उम्मीद जगी और वह खुश हो गई। यह है आपका पार्ट 10, उम्मीद, कि एक बेटी को अपने पिता के लापता होने के बारे में पता चला और उस उम्मीद के साथ कि पापा वापस आएंगे। ठीक है, आपको इसका पीडीएफ दिया जाएगा, उसको आप कॉपी में क्वेश्चन आंसर नीट एंड क्लीन राइटिंग में करेंगे। थैंक यू।